नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ यूपी तक पर। 17 और 18 फरवरी को हुई यूपी पुलिस भर्ती में धांधली के बाद पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया। बकायदा इसे दोबारा कराने के आदेश दे दिए गए। इसके बाद एक तरफ जहां अभ्यर्थी लग गए हैं दोबारा पढ़ाई करने में, तैयारी करने में, तो दूसरी तरफ यूपीएसटीएफ ने जांच इसकी जो है तेज कर दी। यूपी के कई जिलों से ऐसे ऐसे गैंग पकड़े जा रहे हैं जो 3-4 जिलों में पेपर लीक कराने के जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे अहम सवाल हैं जो इस मामले में बहुत अहम हैं और जरूरी हैं, जैसे पेपर लीक आखिर हुआ कहां से, पेपर कराने वाली एजेंसी से या प्रिंट के पहले ही। बहरहाल इसकी जांच जो है वो जारी है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए सबूत और अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठाने वाले टीचर विवेक कुमार से मिली जानकारी के बाद एसटीएफ जो है अब दो दिशा में काम कर रही है। पहला जो है एंगल वो ये है कि क्या पेपर सेट करने वाली एजेंसी के द्वारा चयनित टीचर्स के नेटवर्क में किसी ने अपनी हैंडराइटिंग में एक कॉपी रख ली और परीक्षा से एक दिन पहले पैसे कमाने के लिए मोटी रकम लेकर अपने कुछ जानकारों को पेपर लीक कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे पैसे कमाने का वो जरिया बनता गया और लगभग 10,000 में जो है वो बिकने लगा। वहीं दूसरी ओर पेपर बनाने के लिए चयनित किए गए विभिन्न टीचर्स के सवालों को मिलाकर फाइनल क्वेश्चन पेपर बनाया गया और प्रिंटिंग प्रेस में छपने के लिए दिया गया। तो क्या वहां किसी गैंग या प्रिंटिंग प्रेस के व्यक्ति ने प्रश्न पत्र की हाथ से लिखकर कॉपी तैयार कर ली और लीक कर दी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एसटीएफ अब उत्तर प्रदेश से पेपर लीक करने वाले पूरे गैंग को ही ध्वस्त करने में जुट गई है। जी हां, यूपी एसटीएफ अब अभ्यर्थियों को पेपर बेचने वाले नकल गैंग से रिवर्स नेटवर्क को खंगालते हुए पेपर लीक करने वाले असल गुनेगारों तक पहुंचने में वो लगी हुई है और बकायदा उसमें काम कर रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में जब बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों ने पेपर लीक को लेकर धरना दिया था, उस दौरान विवेक ने यूपी तक से लाइव करते हुए जो है बताया था, पेपर पेपर बनाने वाले, प्रिंटिंग इन दोनों के बीच में रिलीफ, टाइपिंग प्रिंटिंग पेपर बनाने वाला, मतलब कंपनी की तरफ से लीक हुआ है, जो बड़े पैमाने पर थोड़ी जल्दी हुआ, बच्चों को तैयारी का समय नहीं मिल पाया, बहुत सारे बच्चों को बरगलाया कि भाई चलते हो तैयारी का समय नहीं, 12 लाख दे, 10 लाख, 8 लाख, मान लेते हो 60,000 वैकेंसी है, 10-20,000 बच्चों से भी ऐसे पैसे लिए होंगे, तो 20,000 में सब 10 लाख की बात है, एक बड़ा 4-0, 6-0, 10-0 हुई, मतलब ये हो गए कम से कम 200 करोड़ करीबन अमाउंट। अब उतना का कर दिया, अब जैसे किसी बच्चे ने पैसे दिए, उसने लालच में सोचा मेरी किसी से कमा लूं, तभी हमारे पास आ गया, तभी सबको पता चल गया। आपको बता दें कि 17 और 18 फरवरी को ये पेपर आयोजित किया गया था, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60,244 पदों के लिए हुई थी और इसमें जो है 48 लाख से ज्यादा भर्ती शामिल हुए थे। लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही पेपर 17 तारीख को दूसरी पाली का खत्म हुआ तो सोशल मीडिया पर दावे होने लगे, पेपर फ्लोट होने लगे कि भैया पेपर जो है वो लीक हो चुका है। इसके बाद धीरे धीरे ये आवाज बढ़ती गई और फाइनली जो है विभाग ने इनसे शिकायतें मांगी बकायदा प्रूफ के साथ और उसके अगले दिन ही ये घोषित कर दिया कि पेपर जो है वो निरस्त किया जाता है और 6 महीने के अंदर दोबारा इस पेपर को कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन ये तो दूसरी तरफ, ये तो एक बात रही, लेकिन दूसरी ओर जो है जिस प्रकार से नकल कराएगी और नकल कराने के पीछे जो गैंग्स हैं उन गैंग्स का पर्दाफाश करने के लिए यूपीएसटीएफ को लगाया गया और जो कि बारी बारी से और जिलेवार तरीके से जो है जांच कर रही है और उसमें जो है गिरफ्तारियां कर रही है। तो बाकी तमाम ऐसी ही जानकारियों के लिए पढ़े यूपी तक की वेबसाइट, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।